So hello everyone, here I'm back with another vlog. So finally I am near the Frankfurt main station. I have a cinema hall at Cine Star karke. So let's go. It's cinema mein kuch acche scene dekhte hain. Kuch acche stars ke. It's a last day and last show of Jawan in Germany. Ye movie काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, तो इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म. काफ़ी टाइम से मैंने कोई फिल्म देखी नहीं है थिएटर में, तो सोचा कि क्यों ना इस पर इसको देख ही लेता हूँ. मैं बहुत सोचने के बाद, इंतज़ार करने के बाद ये स्टेप लिया है, और इसी बहाने थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लूँगा कि जर्मन के जो थिएटर्स होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितना कॉस्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर लूँगा. फिलहाल मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, देख सकते हो आप पीछे, पता नहीं क्या हुआ है, बट काफ़ी बेहतर खूबसूरत नज़ारा है. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द किनो थिएटर ऑफ जर्मनी. तो यहाँ की जो वाइब है काफ़ी फिल्मी है और काफ़ी चेयरफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ऐसा इन्होंने बना रखा है कि वो फील आए कि हाँ, अब यहाँ पर आ गए हो तो आपको मूवी देखकर ही आनी है. तो यहाँ पर फिलहाल खरीद बस ऐसा मुझे लगता है कि पूरी बिल्डिंग, आई मीन पूरा मॉल है ना, पूरे मॉल में नहीं भी तो 8-10 ऐसे इन्होंने थिएटर बना रखे हैं, और अरे उन सब में अलग अलग फिल्में चल रही हैं एक साथ में, तो ये अच्छी बात है. और सबसे बुरी बात यह कि यहाँ पर जवान का पोस्टर नहीं लगा रखा है इन लोगों ने, तो मुझे एक बार डाउट था कि लोग जवान मूवी दिखाएंगे भी नहीं दिखाएंगे, लगा नहीं रखा है, नहीं लगा रखा, क्योंकि इंटरनेट पर तो शो कर रहा था. एनी हाउ आई हैव गॉट द टिकट्स एंड राइट नाउ आई एम इन फुल जवान मूड. तो यहाँ के टाइमिंग जो 7:45 पे एंट्री है, लेट्स सी फाइनली जवान होने का टाइम आ गया. तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सीट्स बहुत, आई मीन जो थिएटर है वो काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि मैंने देखा जब सीट सिलेक्शन करते टाइम पे कि सीट्स बहुत खाली थे. ये तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आप जर्मनी में आप हाउसफुल होना थोड़ा मुश्किल की बात है, बट हो भी सकता है क्योंकि ये आखिरी दिन है. ऑलमोस्ट अब तक तो सभी लोग देख लिए होंगे शायद, मुझे लग रहा है मैं ही एक अकेला इंसान बचा हूँ जो बिल्कुल एंड में आकर देखने की सोच रहा हूँ. सो तो टिकट का कॉस्ट जो पड़ा है 15 यूरो, प्लस में उन्होंने मुझे ये सीने स्टार कार्ड दिया है. सीने स्टार कार्ड इसमें यह है कि आप एक बार ऑनलाइन रजिस्टर करते हो तो आपको इसमें बोनसेस वगैरह मिलेंगे, चाहे कुछ ऐसा क्रेडिट्स या पॉइंट्स मिलेंगे जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ टू वॉच एनी अदर फिल्म ऑनवर्ड्स. और मेरे उन्होंने कहा कि आपके बर्थडे पे भी कुछ आपको गिफ्ट्स मिलेंगे इस पर, क्योंकि ठीक है क्या ही जाता है, कौन सा आना जाना है, अगर कभी आना जाना हुआ तो इसका भी यूटिलाइजेशन कर लेंगे. जहाँ तक मुझे लगता है अगर देंगे भी कुछ कम भी या ज़्यादा भी तो 1-2 यूरो का डिफरेंस आता है, बट फिलहाल 15 यूरो मेरे लिए बहुत होता है. बट ठीक है, शाहरुख खान और ऐसी फिल्म जो वस्ट टू वॉच है, आप कितना स्पेंड कर सकते हो. सो नाउ राइट नाउ आई एम ऑल सेट, लेट्स गो. Oh!
पार करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आई। So, done with watching. अभी मैं क्या ही इस पे बात करूँ, मैं मूवी कैसी थी कैसी नहीं, बट फिलहाल अभी तो ऐसा लग रहा है सुन पड़ी हूँ मैं कि फिल्म के बारे में क्या ही बताऊँ मैं। फिल्म ऐसी फिल्म देखने का और इतना पैसे लगाने का और एक थिएटर में जाने का वर्थ इट होता है जब भी आप ऐसी फिल्म देखते हो, बस इतना ही कह सकता हूँ। क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स हुए थे जिस कदर से, मतलब हमारे इंडिया में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने जिस तरीके से कनेक्ट करें, जो डॉट्स थे, जो इंसिडेंट्स थे, जिस तरह से कनेक्ट किए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। क्योंकि ये असलियत है, ये सब चीज़ें से, इन सब चीज़ों से इंसान सीखता है। 7:45 पे जो स्टार्टिंग टाइम था, एंट्री टाइम था, उसका गया तो मैं देखा कि कोई है नहीं है, तो सिर्फ मैं था और साथ में मेरे 2-3 लोग थे आए थे, और पूरा मतलब पूरी सीट खाली थी सारी, मतलब पूरा थिएटर ही ऑलमोस्ट खाली था। तो मुझे लगा क्या कि क्या बात है, दारू का क्रेज खत्म हो गया। मुझे लगा यार आखिरी का टाइम है तो सब देख चुके होंगे, मैं ही सबसे लास्ट हूँ और ये साथ में मेरे जो लोग हैं, बट ऐसा नहीं था। देखा कि धीरे धीरे लोग भरते जा रहे हैं और पूरी थिएटर फुल हो गई कुछ सीट्स को छोड़ के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना लोग पसंद कर, कुछ लोग एज ए फैन आते हैं शाहरुख खान को देखने, और कुछ लोगों को स्टोरी काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग लगी है तो उसकी वजह से आए हुए हैं। तो बट वो वाइब नहीं रही जैसे इंडिया में किसी थिएटर में देखने आओ और वहाँ पे जो वाइब होती है, जो क्रेज़ होता है, वैसा फील नहीं हुआ। तो ठीक है यार, आप फॉरन में इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा क्या, मतलब ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। बट एट दी एंड आई रियली लाइक द थिएटर, और इतना कॉस्टली नहीं था यहाँ के हिसाब से, ठीक था, और मूवी ऑन पॉइंट, और शाहरुख खान की एक्टिंग हमेशा सही, और एक्टर कोई भी हो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर स्टोरी आपकी अच्छी हो तो फिर वो काम करी जाती है, क्रेज़ बन ही जाता है। तो इस फिल्म की वाकई में स्टोरी बहुत अच्छी थी। सो आई होप कि ये मेरी लास्ट फिल्म फ्रैंकफर्ट में ना। सो दैट्स ऑल।